वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर द अनलॉक 5। इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या क्या ऑर्डर जारी किए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया था इवन जो 29 को आया था फॉर कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री फॉर पीरियड अप टू 30। तो वो 30 तक नोटिफिकेशन था जो 29 8th मंथ को आया था, तो अगस्त को आया था, 29 अगस्त को आया था, वो अभी 30 तक चलना था। 30 के बाद जो है वो अक्टूबर में चलेगा। सो एक्सरसाइज पावर अंडर द सेक्शंस 621 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इन्होंने डायरेक्ट किया है कुछ चीज़ें, री ओपन मोर एक्टिविटी एरिया में आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। जो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पेशेंट कम है वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी है, क्या रिलैक्सेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। और ये लेटर जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्टेट UT उनके ये उनको लेटर की कॉपी भेजी गई है। तो गाइडलाइंस क्या है री ओपनिंग, अब री ओपनिंग क्या चीज़ों की होगी उसके बारे में यहाँ गाइडलाइंस है, ये पढ़ लीजिए। स्टेट UT गवर्नमेंट में टेक द डिसीजन इन रिस्पेक्ट री ओपनिंग ऑफ स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने स्टेट को ऑर्डर दे दिया है कि आपने स्कूल खोलने हैं UT को, 15 अक्टूबर के बाद वो डिसीजन देंगे। इसमें कोचिंग सेंटर और स्कूल खुल सकते हैं इन ए ग्रेडेड मैनर, कोई इन्होंने ग्रेड रखा है, SOP रखी है। डिसीजन शैल बी टेकन इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव स्कूल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन को वो कैसे असेस कर पाते हैं उसी के हिसाब से वो स्कूल वगैरह ओपन करने हैं या नहीं करने उसी के हिसाब से वो होगा। उसके बाद बात की है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ये जो है कंटिन्यूज रहेगी, ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी। वेयर एज स्कूल आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेज एंड सम स्टूडेंट प्रेफर टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेज रैदर देन फिजिकली अटेंडेंट दे मे बी परमिटेड टू डू सो। कई स्टूडेंट अगर फिजिकली प्रेजेंस चाहते हैं स्कूल में तो वो कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। स्टूडेंट में अटेंड स्कूल इंस्टीट्यूशन ओनली विद द रिटन कंसेंटमेंट ऑफ पेरेंट्स की रिटन कंसेंटमेंट चाहिए। अटेंडेंस मस्ट नॉट बी इनफोर्स एंड मस्ट डिपेंड इंटायरली ऑन द पेरेंटल कंसेंट। अटेंडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। स्टेट UT विल प्रिपेयर देयर ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP अपनी बनाएंगी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशन एंड री ओपनिंग ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन SOP। उसी के हिसाब से वो खुलेंगे। स्कूल विल जो है विच आर अलाउड टू ओपन विल हैव टू मैंडेटरली फॉलो द SOP। SOP को फॉलो करना पड़ेगा। जो हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जो 9th के बाद शुरू हो जाता है या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन में टेक ए डिसीजन ले सकती है उन टाइमिंग ऑफ ओपनिंग कॉलेज हायर एजुकेशन को कंसल्ट MHSA से करके। हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर PhD एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस टेक्नोलॉजी रिक्वायर लैब विल बी परमिटेड टू ओपन 15 अक्टूबर। वो खुल सकती है क्योंकि उनका रिसर्च वर्क होता है। फॉर सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट विल सेटिस्फाई हिम और हर सेल्फ देर इज़ ए जेन्युइन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च स्कॉलर। जो सेंटर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आते हैं जहाँ रिसर्च चलती है, PG MSc वगैरह चल रही है जहाँ PhD चल रही है, वहाँ वो अपने हिसाब से देख सकता है भाई कन्वीनियंट है या नहीं है। स्विमिंग पूल जो है बींग यूज स्विमिंग पूल जो है फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन का किया जाएगा विल बी परमिटेड टू ओपन 15 अक्टूबर के बाद खुलेंगे। सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स विल बी परमिटेड टू ओपन 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से एंड इन एरिया आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन 15 के बाद खुलेंगे। इंटरटेनमेंट पार्क सिमिलर जो हैं प्लेसेस विल बी परमिटेड टू ओपन विद इफेक्ट ऑफ 15 अक्टूबर। बिजनेस के जो हैं बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन विल बी परमिटेड टू ओपन इन एरिया आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, ये भी 15 के बाद। सोशल अकेडमिक स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट कल्चरल रिलीजियस पॉलिटिकल फंक्शन जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें उन्होंने 100% की गाइड जो गैदरिंग को अलो कर दिया है, बट ये भी कंटेनमेंट जोन के बाहर। एंड सच गैदरिंग विज ऑन द 100 जो हैं उनको मे बी परमिटेड आउटसाइड कंटेनमेंट, 100 से ज़्यादा हो सकती हैं बाई स्टेट UT 15 अक्टूबर के बाद।
यहाँ पे एक क्लोज स्पेसिस मैक्सिमम 50% ऑफ हॉल जो कैपेसिटी के हिसाब से सिनेमा वगैरह में बैठ सकते हैं। एंड वेयरिंग फेस मास्क होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग उनके साथ होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर उनके पास होने चाहिए। इन ओपन स्पेसिस कीपिंग द साइज ऑफ द ग्राउंड स्पेस इन व्यू विद द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी वेयरिंग ऑफ फेस मास्क सैनिटाइजर होना जरूरी है। उनकी स्कैनिंग हो सकती है, थर्मल स्कैनिंग। सो ये जो कुछ डायरेक्शन दी हुई है नेशनल डायरेक्टिव ऑफ COVID-19 मैनेजमेंट के हिसाब से क्या है, लॉकडाउन लिमिटेड इन द कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा 31 अक्टूबर तक। एंड कंटेनमेंट जोन शैल बी डिमार्केटेड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एट द माइक्रो लेवल के हिसाब से वो डिज़ाइन करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में है वहीं बनेगा। दीज कंटेनमेंट जोन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट जो है उसके हिसाब से MOHFW के हिसाब से। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट, एक दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट या कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मूवमेंट ऑफ पर्सन विद SOP, मूवमेंट ऑफ पैसेंजर जो हैं ट्रेन डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल मूवमेंट पर्सन टू बंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट एंड साइन ऑन एंड साइन आउट ऑफ इंडियन सेफ वेयर विल कंटिन्यू टू रेगुलेटेड SOP इनकी बनी है। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन जो 65 ईयर के ऊपर है उनकी प्रोटेक्शन की बात की है, उनको थोड़ी एक्सप्रेशन है घर में रहें, वो आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ करें, पता चल जाएगा कहाँ है कोई पेशेंट। स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस फॉर गाइडलाइंस, स्टेट UT गवर्नमेंट शैल नॉट डिल्यूट दीज गाइडलाइंस, उनको बहुत अच्छे से चलेंगी क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग स्टेट UT मे हैज़ फार पॉसिबल टू यूज़ प्रोविजन सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट भी कर सकती है अगर कोई इसकी पालना ना करें। ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटरी जो हैं SDM वगैरह शैल स्ट्रिक्टली री इन्फोर्स अबव मेजर। पैनल प्रोविजन भी है, एनी पर्सन वायलेटिंग उनको सजा भी हो सकती है सेक्शन 51-60 के हिसाब से, एंड लीगल हो सकता है 188 सेक्शन के हिसाब से IPC के अकॉर्डिंग उनको सजा हो सकती है। नेशनल डायरेक्टिव क्या है इसके लिए, फेस कवरिंग जरूरी है, पब्लिक की जगह पे जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी 2 गज की दूरी, स्पिटिंग थूकना मना है पब्लिक प्लेस पे, वर्क फ्रॉम होम जरूरी है, वर्क घर से कर सकते हैं, स्टैगरिंग ऑफ वर्क बिजनेस आवर जो है कम किए गए हैं, स्क्रीनिंग एंड हाइजीनिक प्लेसेस जहां काम हो रहा है, हैंड सैनिटाइजर वगैरह एंड फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी ये इनका जरूरी है। ऑफेंस एंड पेनल्टी क्या है इसके लिए, ऑब्स्ट्रक्ट एनी ऑफिसर एम्प्लाई इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। रिफ्यूज़ टू कंपाइल विद एनी डायरेक्शन गिवन बाई बिहाफ ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट जो है उनके ऊपर देखेंगे क्या एक्ट लगाना है। पनिशमेंट और फॉल्स क्लेम, पनिशमेंट फॉर मिसप्रोपोर्शन ऑफ मनी और मटीरियल की बात करें, पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, ऑफेंस बाई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी जो है उसके हिसाब से देखेगा, हिज कन्वीनियंस एट द कंट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पेनल्टी फॉर कंट्रवेंशन ऑफ एनी ऑर्डर उसके लिए पेनल्टी है सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग एंड प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रिकॉशन कॉन्गनाइंस ऑन द ऑफेंस। ये काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, सेक्शन 188 के हिसाब से पिनल कोड 1860 के हिसाब से है, एक्सप्लेनेशन देनी होगी कैसे हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन है अनलॉक 5 के अकॉर्डिंग, तो एक नोटिफिकेशन ये है और दूसरा नोटिफिकेशन भी अब आपको भी दिखा देते। सो इसमें सेम ही गाइडलाइंस है, सिनेमास की 50% ऑक्यूपेंसी की बात की है, स्कूल वगैरह मैरिजेस पैलेसेस कैसे ओपन होने हैं, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस और स्टेट UT को कोचिंग सेंटर वगैरह खोलने की फ्लेक्सिबिलिटी 15 अक्टूबर के बाद मिलेगी, और हायर एजुकेशन में PhD वगैरह या MSc वगैरह कर रहे हैं इसके लिए लैब रिसर्च वर्क उसके HOD जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो डिसाइड करेंगे, और DO लेटर जो हैं वुड लाइक टू रिट्रेट दैट स्टेट यूनियन टेरिटरी कैन नॉट डिल्यूट द एफोर्स गाइडलाइंस, कोई स्टेट इनको डिल्यूट नहीं कर सकती, इन गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर्स हैं,
और अभी बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में जो अनलॉक 5 खुल गया है, इसमें अभी संडे का जो है वो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। संडे आप आराम से जा सकते हैं, दुकानें सारी खुलेंगी संडे को भी। और आप नाइट का जो लॉकडाउन है 9 से 5 तक, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद मैरिजेस में जो गैदरिंग है 100 से ज़्यादा हो सकती है, बसेस में फुल बसेस जा सकती हैं जैसे मर्जी, कोई 50% ऑक्यूपेंसी नहीं है। उसके बाद कार वगैरह में अगर आपने जाना तो आराम से जा सकते हो, जितनी सवारियां बैठ रही हैं बैठ सकती हैं। इंटर स्टेट जाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो कंटेनमेंट जोन में है वो सारी प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना अनिवार्य है। और अभी स्कूल ओपनिंग वगैरह, कोचिंग सेंटर ओपनिंग वगैरह, सिनेमा खोलने की जो बात है, सभी स्टेट्स की बात नहीं करता, पंजाब की बात करूं तो उन्होंने अभी इनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया। अभी ये नहीं खुलेंगे, 15 अक्टूबर के बाद डिसीजन होगा अभी बच्चे स्कूल जा सकते हैं या स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो ये बहुत एक ज़रूरी जानकारी थी आपके लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो सके और कोई फॉल्स जो रूमर है लोगों तक ना फैले।